नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने जा रहा हूँ जो आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें दे सकता है। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें दे सकता है, एक बहुत बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, किस तरीके से हम ट्रेड को एनालिसिस करेंगे, कहाँ तक हम लोग ट्रेड को ट्रेड में बने रहेंगे और कहाँ हम ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर रहा हूँ और हर एक चीज़ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, मैं आपके साथ शुरू करता हूँ मेरी खुद की एनालिसिस और मैं आपके साथ एक नया स्टॉक लेने जा रहा हूँ जो कि है डीमार्ट का, डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका दूसरा नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। अगर आप इस स्टॉक्स के अंदर देखोगे तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है, यानी कि डी मार्ट के इतने सारे स्टोर्स ओपन हो रहे हैं डेली डेली बेसिस पे, ना हो के ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इतने सारे डी मार्ट के नए एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन हो रहे हैं, तो उसके अंदर धीरे धीरे कंपनी की जो ग्रोथ है वो एकदम से ना आके धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। और उसके बाद ये मान के चलिए स्टॉक कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन मूव में था, काफ़ी दिनों से एक ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा था, लेकिन अब बारी आ गई है कि स्टॉक्स अपने ट्रायंगल पैटर्न से बाहर निकले। जैसा कि आप देख पा रहे हो मंथली चार्ट पे कि इसकी जो पोजीशन है वो एज ए रेंज बाउंड दिखाई दे रही है आपको, जैसा कि मंथली चार्ट पे इसकी जो पोजीशन, इस चार्ट की जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड दिखाई दे रही है। स्टॉक है वो जिगजैग पैटर्न में चल रहा है और अभी तक कहीं कोई इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है मंथली चार्ट पे कि हम इसको किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। लेकिन मेरे पास एक अच्छा एक एनालिसिस है, उस एनालिसिस के हिसाब से हम इस स्टॉक्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद हम टारगेट को चेंज करते हुए हम लोग इस पोजिशन पर पहुँच जाएंगे कि हम इस स्टॉक्स को और आगे तक इसको होल्ड करें। लेकिन फिलहाल के लिए मंथली चार्ट पे मेरे को यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। अगर आपको दिखाई दे रही है तो प्लीज़ मेरे इसके कमेंट करिएगा, आपको आप लोग कमेंट करिएगा और मेरे को बताइएगा कि मंथली चार्ट पे इस स्टॉक्स के अंदर कहाँ पे एंट्री बन रही है। तो मंथली चार्ट पे एंट्री ना बनी है तो फिर वीकली चार्ट पे बन जाते हैं। तो ये देखिए, स्टॉक्स ने वीकली चार्ट पे कुछ इस तरीके से ये बनाए रखा है, काफ़ी मतलब प्रयास के बाद, काफ़ी कोशिश के बाद अल्टीमेटली जो स्टॉक्स ने करना चाहा वो हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके ऑल टाइम हार को मार्क करूंगा, तो ये इसका ऑल टाइम हाई, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो मैंने मार्क कर लिया है, ये वाला ऑल टाइम हाई है। कौन सा है ऑल टाइम हाई? ये वाला 5900 रुपये, एग्जैक्ट 5900 का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया। और उसके बाद यहाँ से एक ट्रेन लाइन मैं बना रहा हूँ आपके पास साथ, ये वाली ट्रेन लाइन मैं यहाँ पर आपके साथ मैंने शेयर किया कि ये एक ट्रेंड लाइन है और उस ट्रेंड लाइन का पैटर्न, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें अल्टीमेटली यहाँ पे देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और उसके बाद एक दूसरी ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, उसका भी यहाँ पे ये देखिए काफ़ी मेजर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, काफ़ी मेजर सपोर्ट था उसका। और एक ये वाली लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वो भी कहने के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ इसका लगभग 6000 का लगभग ऑल टाइम का हाई टारगेट है, नीचे की साइड में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इसमें एक काम और हो रहा है, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक यहाँ पे छोटा सा डिमांड जोन था और इस डिमांड जोन के ऊपर यहाँ पर अल्टीमेटली इसकी क्लोजिंग आ गई। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे इस स्टॉक्स के अंदर एक नई पोजीशन बिल्डअप हो गई, एक नया मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर मेरे को अल्टीमेटली मिल ही गया। काफ़ी लॉन्ग टर्म बाद एक नया मोमेंटम मेरे को इस स्टॉक्स में मिला है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। अगर मैं इसके अंदर वॉल्यूम चेक करूँ तो ये देखिए, वॉल्यूम भी इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये एक पैटर्न के अंदर काम कर रहा था और पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें लगभग लगभग यहाँ पे मिल चुका है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब इस स्टॉक्स के अंदर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस स्टॉक्स के अंदर मेरी एंट्री अगर बनाऊँ, मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं एंट्री करूँ, तो मेरी जो एंट्री है वो नियर अराउंड इसके अंदर 4250 पे मेरी एंट्री होगी।
इस स्टॉक्स के अंदर मेरी जो एंट्री है वो पहली एंट्री है वो 4250 पे मेरी एंट्री हो जाएगी, और अगर फिर मेरे को लगभग 4200 पे भी मेरे को कुछ ऐड करने को मिलेगा तो भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं इसमें कुछ और अमाउंट ऐड कर दूँ, लेकिन मेरी जो प्रॉपर एंट्री है वो 4200 से 4250 के ऊपर फाइनल है। अब इस स्टॉक्स के अंदर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, मेरा स्टॉप लॉस ये वाला लगेगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला लगेगा। कौन सा लगेगा ये मैं बताता हूँ आपको, देखिए 2900 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा मेरा, 2900 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। क्या है मेरा फर्स्ट टारगेट? 4600 रुपये। फर्स्ट टारगेट मेरा 4200 से सीधा 4600, 400 रुपये का गेन, और नीचे की साइड में लगभग 200-300 रुपये का लॉस। तो ये ट्रेड यहाँ पे फेवर में नहीं है, लेकिन मेरा जो ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है मैं उसके लिए इस स्टॉक्स को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख पा रहा हूँ। तो ये तो मेरा अगला पड़ाव है ही, 4600 तो मेरा नेक्स्ट जो मेरा मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई दे ही रहा है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ 6000 का मेरे को वो यहाँ पे एक टारगेट दिखाई दे रहा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तो देखिए एक अच्छा स्टॉक है, और जैसे ही 6000 का ये मैं टारगेट पकड़ता हूँ तो यहाँ पे अपना जो रिस्क रिवॉर्ड वो अपने फेवर में आ जाता है, अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है फिर वो अपने फेवर में आ जाता है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि अगर मान लो मेरी एंट्री यहाँ होती है और फिर मेरा जो टारगेट निकल के आता है तो वो ऑलमोस्ट 40% का मेरा जो टारगेट है वो निकल के आता है, और मेरी जो रिस्क है वो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरी रिस्क कितनी है। तो इस स्टॉक्स के अंदर मेरी जो रिस्क है वो 7% लगभग मेरी इसके अंदर रिस्क है। तो ये मान के चलिए इसके अंदर काफ़ी एक बेहतरीन रिवॉर्ड मेरे को मिल रहा है, काफ़ी मेरे को बेहतरीन रिवॉर्ड मिल रहा है, उस रिवॉर्ड की वजह से ही मैं इस स्टॉक्स के अंदर या बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि मेरे को एक मतलब ये मान के चलिए मोमेंटम चेंज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वन तो मोमेंटम के हिसाब से अगर मेरे को ये मान के चलिए मोमेंटम के हिसाब से अगर मेरे को टारगेट देता है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। तो ये थे मेरे आज के स्टॉक्स, तो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार लेवल्स को मैं दोबारा यहाँ पे मार्क लिख देता हूँ आपके साथ, कौन कौन से लेवल्स मेरे को बनेंगे। पहला जो मेरा एंट्री पॉइंट बैठ रहा है वो लगभग 4200-4250 का मेरा एंट्री पॉइंट बैठ रहा है। उसके बाद मेरा जो एसएल बैठ रहा है वो मेरा एसएल है 2900 रुपये का। टारगेट है मेरा, फाइनल टारगेट है, तो फाइनल टारगेट मेरा लगभग 6000 का। तो ये सारा ये क्या है, ये मेरा फाइनल टारगेट है। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि आज तक मैंने जितने स्टॉक्स यहाँ पे आपके साथ शेयर किए इनमें अगर किसी में भी स्टॉप लॉस लगा है या किसी का भी टारगेट हिट हुआ है या कोई कंसोलिडेशन मोड में है तो प्लीज़ एक बार चेक करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा स्टॉक्स कहाँ पे क्या मूव कर रहा है और किसने कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया और किसने कितने कितने परसेंट का इसने एसएल दे दिया। तो मेरे साथ बने रहिए और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक नई वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।